हेलो दोस्तों, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ साइन फॉर्मूला और साइन रूल भी बोलते हैं इसको, साइन फॉर्मूला और साइन रूल। प्रूव डेट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव डेट इन एनी ट्रायंगल द साइड्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द अपोजिट एंगल, एंगल डेट इज इन ट्रायंगल एबीसी, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। देखिए दोस्तों, साइन फॉर्मूला हमारा या साइन रूल क्या कहता है, साइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में ट्रायंगल का जो साइड्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है उसके सामने का अपोजिट एंगल का साइन का, उसके अपोजिट एंगल का साइन का हमारा प्रोपोर्शनल होता है, साइन अपोजिट एंगल का साइन का प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी ट्रायंगल में साइड जो होता है, किसी भी ट्रायंगल में उसके साइड का जो, उसका साइड जो होता है उसका सामने का एंगल का साइन जो होगा उसका प्रोपोर्शनल होगा। तो ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें क्या होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में वी नो डेट पहले एक ट्रायंगल एज्यूम कर देंगे, लेट एबीसी बी आर ट्रायंगल। सबसे पहले एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्या कह रहा है थ्योरम, ये बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेंगे, ट्रायंगल एबीसी होगा। वी नो डेट सम ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड ईच एंगल कैन नॉट बी ऑब्ट्यूस। देखिए दोस्तों, प्रत्येक एंगल ऑब्ट्यूस नहीं होगा, प्रत्येक एंगल ऑब्ट्यूस नहीं होगा और सम ऑफ ट्रायंगल का, ट्रायंगल के एंगल का सम हमारा क्या होगा, ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो देखिए दोस्तों, हम यहां पर तीन ट्रायंगल बना सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीन ट्रायंगल बनाएंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, हम तीन ट्रायंगल बनाएंगे। लेट एज्यूम देखिए दोस्तों, एंगल बी इज एक्यूट, हम एंगल बी को एक्यूट एज्यूम कर लेंगे और एंगल सी we have here three cases। देखिए दोस्तों, केस वन में क्या हो सकता है, एंगल बी तो हम ऑब्ट्यूस कर लिए, एंगल सी हमारा हो सकता है दोस्तों, एंगल सी हमारा हो एक्यूट। दूसरा में हो दोस्तों, एंगल सी इज इक्वल टू ऑब्ट्यूस। तीसरा में हो दोस्तों, एंगल सी इज इक्वल टू राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री। तो इसमें देखिए दोस्तों, तीन ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। देखिए दोस्तों, तीन ट्रायंगल बनाए ए बी सी। सबसे बड़ी बात दोस्तों देखिए, इस एंगल ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए होता है, एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी होता है, एंगल सी का सामने वाला साइड स्मॉल सी होता है। ये ट्रायंगल में ऐसा होता है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक ऑब्ट्यूस वाला बनाएंगे दोस्तों, एक ऑब्ट्यूस वाला बनाएंगे, ऑब्ट्यूस बना लिए। देखिए दोस्तों, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पर ऑब्ट्यूस बना लिए। ये हमारा 190 से बड़ा है और 180 से छोटा है, ये सब हमारा, ये एक्यूट एंगल है, तीनों एक्यूट एंगल है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, ये सिमिलरली वही बात, बी का सामने वाला स्मॉल बी, सी का सामने वाला स्मॉल सी, ए का सामने वाला स्मॉल ए।
यहाँ पर उसके बाद एक और ट्रायंगल बनाएंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा दोस्तों, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, एक राइट एंगल तीन केस हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये बी है, ये ए है, ये सी है, देखिए दोस्तों ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये स्मॉल सी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल ए, यहाँ पर अब ड्रॉ करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों अब ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी और बी सी प्रोड्यूस्ड, ड्रॉ कर दिए दोस्तों। अब ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ए से ए डी परपेंडिकुलर डाल दिया, देखिए दोस्तों ये परपेंडिकुलर ए डी डाल दिया, यहाँ पर ए डी परपेंडिकुलर कैसे जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हम प्रोड्यूस इसका बढ़ा हुआ भाग पर परपेंडिकुलर डालेंगे ए डी, ये परपेंडिकुलर हुआ। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री ही हमारा परपेंडिकुलर होगा, एसी परपेंडिकुलर पहले है, ए से एडी परपेंडिकुलर डालेंगे तो एसी ही हमारा एडी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है तो थोड़ा सा इरेज करेंगे, अब इरेज करने के बाद हम आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर AD इज इक्वल टू H मान लीजिए, AD इज इक्वल टू H, ये AD H, ये भी AD H हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों एंगल साइन B निकालिए, साइन B हर ट्रायंगल में, फॉर इच ट्रायंगल साइन B, फॉर इच ट्रायंगल प्रत्येक ट्रायंगल के लिए साइन B। देखिए दोस्तों साइन बी निकालेंगे तो इस ट्रायंगल में आएगा ए डी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बी एंगल परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा ए डी। देखिए दोस्तों ये हो जाएगा ए डी बाय ए बी, सब में हो जाएगा, सब में यही रहेगा ए डी बाय ए बी। यहां पर दोस्तों फॉर ईच ट्रायंगल सब में, देखिए दोस्तों इसमें भी एडी, इसमें भी एडी बाई एसी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, इसमें भी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन बी हम निकाल लिए, साइन बी इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों यहाँ पर एडी हमारा एच माने है, एबी हमारा सी है, साइड का लंबाई सी है, तो हमारा एच इज इक्वल टू सी साइन बी हो जाएगा, ये इक्वेशन वन। अब देखिए दोस्तों फिगर, फ्रॉम फिगर वन से, इन फिगर वन अब हम साइन सी निकालेंगे दोस्तों, फिगर वन में साइन सी इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों ये साइन सी ये ट्रायंगल में निकालेंगे, देखिए साइन सी क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर यहाँ एच हुआ, परपेंडिकुलर ये एडी हुआ एच, देखिए एडी लिख देने दीजिए दोस्तों क्लियर रहेगा, एडी हाइपोटेनस एसी हुआ एसी। तो यहां पर दोस्तों देखिए साइन सी इज इक्वल टू एच बाय बी हो जाएगा दोस्तों, एच इक्वल टू बी साइन सी। देखिए दोस्तों ये होगा ट्रायंगल, इसमें फिगर टू में भी देखिए दोस्तों, फिगर टू में हम साइन 180, ये जो एंगल होगा दोस्तों ये हमारा पाई माइनस सी होगा, ये 180 माइनस ये इधर का सी है तो ये पाई माइनस सी होगा, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों साइन 180 माइनस सी, देखिए दोस्तों तो इसके लिए इस एंगल के लिए इसके लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ए डी बाई हाइपोटेनस ए सी, तो ये होगा हमारा एडी बाई एसी, एडी बाई एसी। देखिए दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है, एडी हमारा एच है, एसी हमारा बी है एसी, तो यहां पर भी होगा एच इक्वल टू बी साइन सी। इसको देखिए दोस्तों बाद में, अगेन फिगर थ्री में देखिए दोस्तों, फिगर थ्री में साइन सी निकालिए,
तो साइन सी फिगर थ्री में, तो देखिए फिगर थ्री में साइन सी नहीं, देखिए दोस्तों एडी बाई ए सी, ए सी बाई एडी, सॉरी एडी बाई ए सी निकालिए दोस्तों, एडी बाई ए सी, देखिए दोस्तों एडी बाई ए सी हमारा यहां पर वन हो जाएगा, एडी बाई ए सी हमारा वन हो जाएगा दोस्तों, एडी बाई ए सी, एडी सॉरी एडी बाई ए सी, एडी भी वही है ए सी भी वही है, एडी और ए सी सेम है तो ये वन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं दोस्तों साइन 90, देखिए दोस्तों साइन 90 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कौन सा 90 है, एंगल सी 90 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन सी, तो यहाँ पर दोस्तों साइन सी इज इक्वल टू ए डी बाई ए सी हुआ, ए डी बाई ए सी हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों साइन सी, ए डी हमारा कितना है, ए डी एच है, ए सी बी है, तो एच बाई बी, तो एच इक्वल टू बी साइन सी, देखिए दोस्तों तीनों केस में हमारा साइन सी इज इक्वल टू बी साइन सी आया, फ्रॉम थ्री के फॉर इच केस इज इक्वल टू एच इक्वल टू बी साइन सी, बी साइन सी। अब इसको इक्वेशन टू मान लीजिए दोस्तों, ये एच है, देखिए दोस्तों एच इक्वल टू फ्रॉम वन एंड टू से एच इक्वल टू सी साइन बी, एच इक्वल टू सी साइन बी, एच इक्वल टू बी साइन सी, फ्रॉम वन एंड टू वी गेट क्या पाएंगे, एच इक्वल टू सी साइन बी, एच इक्वल टू बी साइन सी। तो देखिए तो ये बराबर, एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होगा, सी साइन बी इज इक्वल टू सी साइन बी इज इक्वल टू बी साइन सी। तो ये देखिए दोस्तों इसमें लिख देंगे हम साइन बी बाई बी और इसको साइन सी बाई सी, इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड मान लिए। देखिए दोस्तों थोड़ा सा इरेज करेंगे, सिमिलरली थोड़ा सा इरेज करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों सिमिलरली दोस्तों हम साबित कर सकते हैं, आगे इसका दूसरा पार्ट भी साबित कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं साइन बी बाई बी सिमिलरली दोस्तों, इसको सिमिलरली बोलेंगे, सिमिलरली लिख सकते हैं दोस्तों साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन ए बाई ए, देखिए दोस्तों इसको इक्वेशन फोर बोल दीजिए। सिमिलरली हम ये भी साबित, जैसे साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी साबित कर दिए, साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, सिमिलरली यही प्रोसेस फिर अगेन करेंगे तो हमारा आ जाएगा साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन ए बाई ए, तो फ्रॉम ये आ जाएगा दोस्तों, सिमिलरली ये आ जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन थ्री और फोर से दोस्तों क्या हो जाएगा, साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी इज इक्वल टू साइन सी बाई सी, देखिए दोस्तों ये हमारा साइन रूल साबित हुआ। देखिए दोस्तों एक बात और समझिए, ये साइन रूल में हमारा क्या बोल रहा था दोस्तों, ये दोस्तों थोड़ा सा उल्टा हो गया, अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, पलट दीजिए, ये साइन रूल में कोरस्पॉन्डिंग एक साथ पलट दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई साइन रूल अब साबित हो गया, ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन सी, ये हो गया दोस्तों हमारा साइन रूल। हम क्या किए दोस्तों, यहां तक साबित कर लिए और इसको पलट दिए दोस्तों, ए को ऊपर ये इसको नीचे, ए को ऊपर साइन ए को नीचे, बी को ऊपर साइन बी के नीचे, सी को ऊपर साइन सी को नीचे, सिमिलरली इसके जैसे इसको हम साबित कर सकते हैं दोस्तों, और इन दोनों को हम लेकर प्लॉट दिए दोस्तों, तो ये हमारा साबित हो गया साइन फॉर्मूला। अब साइन फॉर्मूला में क्या होता है दोस्तों, एक बार
कि वो साइड साइड उसका अपोजिट एंगल का साइन रेशियो सेम होता है, हर साइड के लिए रेशियो सेम होगा, यही हमारा साइन फॉर्मूला है। दोस्तों अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों साइन फॉर्मूला हमने साबित कर दिया, थैंक यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।